अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किचन क्वीन बाय शाइस्ता बागवान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आई हूँ मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ छाछ कनकिया, इसे छाछ कनिया भी बोला जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लास्ट सब्सक्राइब का बटन दबाइए, पास वाली बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। यहाँ मैं 1 किलो ज्वारी ली हूँ, इसे मैं आटे की चक्की में से कनकिया भरड़ के लाऊंगी। आपको थोड़ा भी बनाना है तो आप मिक्सी में दरदरा भी पीस सकते हो। यहाँ मैं 1 किलो ज्वारी ली हूँ क्योंकि हम गर्मियों के सीजन में ज्यादा से ज्यादा यही खाते हैं। तो देखिए ज्वारी को मैं भरड़ के लाई हूँ। यहाँ मैं बड़ी 2 चम्मच कनकिया ली हूँ, इसे हम थोड़ा हल्के हाथ से पचड़ के लेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, इसे हम अच्छी तरह से हिला के लेंगे। इसे हम 15 मिनट तक भिगोने के लिए रखेंगे। 15 मिनट्स लेटर कनकिया हमारे अच्छी तरह से भीग चुके हैं। यहाँ मैं 1 टोक में 3 गिलास पानी गर्म होने के लिए रखी हूँ। पानी को 1 बॉईल आने देंगे। पानी को बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें भिगोए हुए कनके डालेंगे। इसकी फ्लेम हम लो रखेंगे, इसे हमें हिलाते रहना है नहीं तो इसके लम्स बन जाएंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसे अच्छी तरह से हिला के लेंगे। 1 बॉईल आने तक इसे हिलाते ही रहना है। ये जैसे जैसे पकता है वैसा ठीक होते जाता है, इसे बॉईल भी आ चुका है। इसे हम 15 मिनट तक अच्छी तरह से लो फ्लेम पर पका के लेंगे। इसे पकाते पकाते ही हमें हिलाते रहना है। कनकिया हमारे पक चुके हैं, अब हम इसकी फ्लेम बंद करेंगे। यहाँ पे मैं 1 वाटी छाछ ली हूँ। कनकिया हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब हम कनकिया में छाछ डालेंगे। आपको जितनी छाछ लगती है उतनी छाछ आप डाल सकते हो। अगर आप छाछ नहीं डालना चाहते हो तो आप दूध भी डाल सकते हो। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये खाने में बहुत ही हेल्दी है। अगर आपके घर में कोई भी बीमार इंसान होगा तो आप इसे ज़रूर बना के दीजिए। छाछ कनकिया हमारे रेडी हो चुके हैं। अब रमज़ान आ रहा है, आप इसे सहरी में भी खा सकते हो। माशाल्लाह ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब गर्मियों का सीज़न है तो आप ये ज़रूर बना के खाइए। आपको रेसिपी कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। चलो अल्लाह हाफिज़।